विभाग से इस वक्त की बड़ी खबर, सत्ता पक्ष के दबंग समर्थकों के हौसले बुलंद। बीडीसी सदस्यों को पुलिस प्रशासन के सामने अगवा करवाने का प्रयास किया गया। पुलिस प्रशासन महज बनी मुखदर्शक, पुलिस प्रशासन ने देखकर भी की अनदेखी। अगवा करने वाले व्यक्ति को गाड़ी में बिठाकर मौके से फरार कर दिया। सूचना पर पहुंचे जिलाधिकारी रविंद्र कुमार व पुलिस अधीक्षक आनंद कुलकर्णी व वही पत्रकार इंडिया न्यूज उन्नाव से कैमरामैन कृष्णा तिवारी के दो मोबाइल फोन तोड़कर उसके साथ मारपीट की गई, जिसके बाद मियागंज में पत्रकारों के साथ हुई घटना के विरोध में कलेक्ट्रेट गेट पर पत्रकार प्रदर्शन कर रहे थे। बता दें कि स्वाट टीम के प्रभारी गौरव कुमार के पहुंचने से पहले ही बलबीर यादव के गुंडे मौके से हुए फरार। कृष्णा, ये बताओ तुम्हारे साथ क्या पूरी अभद्रता जिला प्रशासन ने किया है और किसको लेके ये बवाल हुआ? आज ब्लॉक प्रमुख को लेकर नौ जिले में चुनाव चल रहे हैं। मियागंज हम लोग सुबह कवरेज करने आए थे, अभी जगह हम लोग पीछे कवरेज करने गए थे, वहाँ पे दो स्कॉर्पियो में गाड़ी भरे लोग आए, हम लोग मारा पीटा है, मेरे दोनों ने मोबाइल तोड़ दिए हैं। उसके बाद हम यहाँ जहाँ मतदान हो रहा है यहाँ पर खड़े हो गए थे। कुछ लोग अलग अलग पार्टी कार्यकर्ता हैं, ढील हैं, उनको पुलिस नहीं पकड़ पा रही है। उसके बाद सीडीओ साहब आए, फोर्स आया था, यहाँ सीओ भी थे हम बांगरमऊ, और दौड़ा रहे थे, जो हमसे धक्का मुक्की करने लगे। हमने कहा कि मैं पत्रकार हूँ, कैमरा मेरा ऑन था, और हमको मारने पीटने लगे, मुझे गाली दे रहे हो, बराबर हमको मारते चले गए। ये देखो मारा बेटा, ये मेरा नाखून फट गया है, ये देखिए, प्लस वीडियो का वीडियो भी मेरे पास रिकॉर्ड है, और खुले मारपीट कर रहे हैं। अगर कोई सिपाही मारता तो मैं सोचता कि पूरे जिले में इतना फोर्स है, मुझको नहीं पहचान पाया, पर सीडीओ लगातार मीटिंग में आते हैं, पहचानते हैं, उसके बाद हमको जबस्ती मार रहे हैं। से तो और किसने मारा पीटा? कुछ बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता और भी थे, जो गले में रुपट्टा कुछ डाले थे, वो लोग मारपीट कर रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर प्रशासन कोई कार्रवाई कर पाया है? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही, सारे कार्यकर्ता सब आसपास घूम रहे हैं, उनको पुलिस नहीं पकड़ पा रही है, उनको हाथ पकड़ पकड़ के किनारे पर प्यार किनारे कर रही है, ले जाए जाके, और उल्टा गुस्सा मीडिया पर निकाल रही है केवल। डीएम साहब, एक वीडियो जर्नलिस्ट के साथ यहाँ के उन्नाव के सीडीओ ने मारपीट की है, उसका वीडियो भी है साहब, तो अभी आपको एप्लीकेशन दी गई है, क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, आज मियागंज में एक हमारे पत्रकार साथी श्री कृष्णा तिवारी जी के साथ एक वीडियो वायरल हुआ है कि विकास अधिकारी श्री दिव्यांशु ने उन्हें धक्का दिया, मारपीट की। अभी हमारी सभी पत्रकार साथियों से वार्ता हुई है और मुख्य विकास अधिकारी ने इसमें क्षमा भी मांगी है, लेकिन कृष्णा तिवारी जी ने ये प्रार्थना पत्र दिया है, और बिल्कुल मैं आश्वस्त करता हूँ आप लोगों को, बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई होगी। इस प्रार्थना पत्र हम जांच करवाएंगे, और जो भी निष्पक्ष कार्रवाई होगी उस पर जरूर होगी, और मैं अपने सभी पत्रकार साथियों से अनुरोध करता हूँ कि इसमें पूर्ववत जैसे अभी तक आपने हमारा सहयोग किया है, कृपया सहयोग करें और विश्वास रखें कि इसमें जो बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई। डीएम साहब, सीडीओ साहब के साथ एक भाजपा कार्यकर्ता भी उनके साथ मारपीट में शामिल था, साफ तौर पर उस वीडियो में दिख रहा है, तो क्या उसको चिन्हित किया गया है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई की जा रही है? जी, जैसा मुझे बताया गया है कि वो उसको पकड़ लिया गया है और भी सम्मत कार्रवाई कराई जाएगी। ठीक। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। गेटेड सोसाइटी, सड़क सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000।